हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब अपन ने लस्सी बना ली, जूस बना लिया पाइनएप्पल का, तो आज मैं लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा पाइनएप्पल का रायता। बनाने का इसे सही तरीका ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो फिर ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पाइनएप्पल का रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा पाइनएप्पल का लिया है, पहले पीस कट कर लिए हैं। आप पाइनएप्पल ले लीजिएगा। अब इसके क्या है, छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे। ऐसे करके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है इसके। आप किसी भी डिजाइन में इनके टुकड़े कट कर सकते हो। छोटे छोटे कट करूंगी और ये जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं ना, ये कटोर वाले, इन्हें मैं बाहर निकाल दूंगी। जैसे फिर मैं बाद में क्या जूस वगैरह बना सकती हूँ, क्योंकि अभी ये रायते में करेंगे तो ये फिर मुंह में आएंगे, इन्हें आप आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ताजा दही लिया है और ताजा दही को अपन क्या करेंगे, फेंट लेंगे। धीरे धीरे अपन इसे फेंट लेंगे पूरे दही को। आपको रायता बनाने के लिए दही को फेंटना जरूरी है, लम्स नहीं होने चाहिए और पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसे फेंट लिया है, ऐसे आपको फेंट लेना है। अब जो अपन ने दही फेंट लिया है, इसमें ऐड करेंगे ये जो अपने पाइनएप्पल कट की है वो। थोड़ी सी क्यूब रख लेना है आपको और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल पीस भी रखा है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें पानी ऐड किया हुआ है थोड़ा सा, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे या तो आप शुगर पाउडर ले लीजिएगा या आप शक्कर ले सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर ले रही हूँ, थोड़ी सी ना मात्र की, लेकिन इसमें काला नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे, पाइनएप्पल जूस और जो अपन ने ये तैयार किया। और इस कंटेंसी का आपका रायता होना चाहिए जिस कंटेंसी में मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ी स्लाइस कट करूंगी, डेकोरेशन के लिए है। जैसे मैंने बताया है कितना इजी है इसे बनाना, तो आप देख ही सकते हो बहुत ही इजी है। कुछ भी ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा जीरा ऐड कर सकते हो, लेकिन अपन जैसे हल्का सा स्वीट सा बना रहे हैं तो जीरा ऐड करने की इसमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। और थोड़ी सी चाहो तो ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हो सुंदरता के लिए। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता, जिसे ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। और थोड़े से अखरोट, बस ये लीजिए हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। तो गेस्ट के लिए एक नई रेसिपी हो सकती है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रायता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। आप हर जैसे फ्रूट रायते इनको छोड़कर आप पाइनएप्पल का रायता बनाना पसंद करेंगे। तो मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास।